नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहद। और अपनी हेयर केयर सीरीज में मैं लेकर आई हूं आज का ये वीडियो। और यकीनन बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, एक लंबा टाइम हो चुका है हम लोगों को वीडियो पे एक दूसरे से बात किए हुए, और मैं नहीं चाहती कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो, इसलिए लेकर आई हूं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन हेयर की। अब इसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अक्सर जब ये सुनते होंगे कि हमारे बालों का क्या टाइप है, अक्सर आप देखते होंगे कि सेलिब्रिटीज से लेके डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत सारे स्किन एक्सपर्ट बात करते हैं कि जब भी आप किसी तरीके का शैम्पू खरीदें, सीरम खरीदें या फिर बालों के लिए कंडीशनर खरीदे, तो आपको अपने बाल के टाइप का एक्चुअली पता होना चाहिए कि वो कौन सा हेयर टाइप है आपका। और जनरली वैसे हमें पता चल जाता है कि हमारे बालों का टेक्सचर कैसा है, वो ड्राई है या फिर वो नॉर्मल है या फिर वो एक्सेस में ऑयली है, तो ये सारी चीजें हमें जनरली पता चल जाती हैं। लाइक अगर आपका एक दो दिन में ही स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, आपको लगता है कि अब तो बाल धोने की जरूरत हो गई है, या आपके जो बाल है वो बहुत जल्दी डस्ट को कैच करते हैं, इन दैट सिचुएशन यू कैन ईजिली डिटरमाइन कि आपके बालों का टाइप क्या है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ रहते हैं, टैंगल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और रूखापन उनमें ज्यादा है, वो जनरली ऐसे ही दिख जाता है, तो भी पता चल जाता है कि हमारे बालों का टेक्सचर एक्चुअली है क्या। और अगर नॉर्मल हेयर होते हैं तो थोड़े से वो थोड़ा सा ड्राईपन भी रहता है उनमें और थोड़ा सा वो ऑयली भी होते हैं, लाइक मेरे बाल जो है वो नॉर्मली है, तो उस सिचुएशन में आपको ये पता चल जाता है। ये तीनों सिचुएशंस इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं। लेकिन एक टाइप है कॉम्बिनेशन हेयर का जो जनरली हम लोगों को भी पता नहीं चल पाता है कि क्या वजह है कि हमारे बाल हैं कैसे, तो जिसकी बात मैं करने वाली हूं कॉम्बिनेशन हेयर की। कॉम्बिनेशन हेयर एक्चुअली वो टाइप है जिसमें कि स्कैल्प जो है वो तो ऑयली होती है, लेकिन जो नीचे के बाल हैं वो हमारे ड्राई होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतने रफ होते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि भैया स्किन टाइप है क्या। तो अब मैं बोल रही हूँ आपको कि स्कैल्प ऑयली है। अब ये स्कैल्प ऑयली क्यों हो जाती है, हमारी स्किन जो है, स्किन ही है हमारी, स्कैल्प जो है वो एक्चुअली एक स्किन ही तो है, हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां आप देखो वो स्किन ही तो है, तो वो जो स्किन है एक तरीके का नेचुरल ऑयल रिलीज करती है, मतलब बॉडी के अंदर भी ये पावर होती है कि वो बॉडी को मॉइस्चर करने के लिए लुब्रिकेंट रिलीज करती है। जैसे आप कोई भी जब क्रीम लगाते हो तो वो एक टाइप ऑफ लुब्रिकेंट होता है जो कि आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है। लेकिन हमारी बॉडी में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, हमारी बॉडी में भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हीं मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से हमारी स्किन, आपने देखा किसी की स्किन बहुत ज्यादा चमकती हुई नजर आती है, किसी के बाल बहुत शाइनी नजर आते हैं, कि जस्ट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल की वजह से होता है। नेचुरल ऑयल हर बॉडी रिलीज करती है, लेकिन वो रेशियो किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। जब वो बॉडी पे, अब जैसे आपने कभी गर्मी के दिनों में देखा होगा, आप सुबह उठते होंगे तो आपको इस टी जोन के आसपास बहुत ज्यादा अपने ऑयल नजर आता होगा, तो वो होता है सिबम। सिबम जो होता है वो हमारे चेहरे पे भी और हमारी स्कैल्प पे भी निकलता है। तो सिबम जब स्कैल्प पे निकलता है तो वो एक्सेस में निकलता है, लेकिन वो एक्सेस में निकल के पूरे बालों तक नहीं आ पाता है। जिनके आता है उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, जिनके नहीं आता उनके बाल कॉम्बिनेशन हेयर हो जाते हैं। तो वो क्यों नहीं आ पाता है, या तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप से मूव कर सके। अब यहाँ पे आपके कॉम करने का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि कॉम करने से सिबम के मूव करने का क्या लेना देना। कॉम कोई बहुत जादुई चीज नहीं है कि आप बस कंघी करो और आपके बाल हेल्दी हो जाएं, लेकिन बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए, प्लस जो भी टाइम टू टाइम डर्ट हमारे बालों में जा रही है उसको रिमूव करने के लिए कंघी करना जरूरी है। ऐसा कोई फंडा नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर निर्धारित अमाउंट नहीं है कि इतने टाइम आप कंघी कर लीजिए। आप दिन में एक से दो बार भी कंघी करके अपने बालों को हेल्दी बना सकते हो, लेकिन बालों में कंघी इस तरीके से हो कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। लाइक अगर आप सुबह उठ के नहाते धोते हो तो आपको तब कंघी करनी चाहिए, एंड देन रात को सोने से पहले एक बार अच्छे तरीके से कॉम करके अपने बालों को गूंथ लें या फिर अपनी एक पोनीटेल जरूर बना लें। बालों को ऐसे ही खुला करके नहीं सोना चाहिए। हाँ, बालों में रबर बैंड जो है वो थोड़ा लाइट रखिए, मतलब ये नहीं हो कि एकदम बाल कसे हो और आप सो जाएं, क्योंकि उससे बाल डैमेज होते हैं। अब जब मैंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन हेयर होता है उसमें बाल स्कैल्प पे ही रहते हैं, तो हमें क्या करना होता है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी कि हमें
रेगुलर कॉम्बिंग करनी पड़ती है। जिन लोगों के साथ भी कंडीशन है, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली रहती है लेकिन मेरे बाल रफ रहते हैं, तो आपको भी लगातार कॉम्ब करना चाहिए। लगातार से मतलब ये है कि दिन में 2 से 3 बार आप कंघी करते रहा करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। कंघी का मकसद आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन प्लस डर्ट को रिमूव करते रहना है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, और इससे बाल उलझते नहीं है। बेसिक सी बात क्या है, अगर आप कंघी कर रहे हो कि आपके बाल उलझते नहीं है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है कि हम इस स्कैल्प को कैसे मतलब हेल्दी कैसे रखें, कि मतलब ये एक्सेस में सिबम जो है वो ना रहे, क्योंकि देखो अगर सिबम रहा फिर उसके ऊपर गंदगी रही तो वो डेंड्रफ का कारण बन सकती है या किसी और चीज का कारण बन सकती है। सो इन दैट सिचुएशन इट्स वेरी नेसेसरी दैट योर स्कैल्प शुड बी क्लीन। अब स्कैल्प शुड बी क्लीन के लिए हम क्या करें, तो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चाहिए जो कि स्पेशली कॉम्बिनेशन हेयर के लिए बने हों। अगर आप किसी स्टोर से जाकर खरीदते हैं तो आप उन्हें अपने स्कैल्प टाइप के बारे में बताइए या अपने बालों के बारे में बताइए कि मुझे कॉम्बिनेशन हेयर है, मेरा कॉम्बिनेशन हेयर है, उसके हिसाब से मुझे आप अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, अच्छा सीरम सजेस्ट कर दीजिए। मैं अभी तक किसी ऐसे रिसर्च के बारे में नहीं पहुंच पाई हूं जिसमें कि मैं आपको बता सकूं कि कॉम्बिनेशन बालों के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो भी ऐसा शैम्पू जिससे कि आपको ये लगता हो कि भाई ये जो शैम्पू है ना इससे मेरी स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो वही शैम्पू आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कोई क्या लगा रहा है इस पर जाने की बजाय आप ये देखिए कि आपके बाल किससे अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो भी शैम्पू मैं लगा रही हूं जरूरी नहीं है कि वो शैम्पू आपको भी बहुत अच्छा सूट करे। जैसे बहुत लंबे टाइम तक मैं सनसिल्क लगाती थी जब मैं छोटी थी, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइम तक आयुर का जो शैम्पू आता था वो लगाना शुरू किया, और एक लंबे टाइम से मैं डव शैम्पू लगा रही हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ही मैं कभी डव शैम्पू को छोड़ूं क्योंकि मुझे वही एक फॉर्मूला समझ में आता है अपने बालों के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनके बालों में ऑयल बहुत ज्यादा आता है, तो उनको हेड एंड शोल्डर या फिर उनको सनसिल्क का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पसंद आता है। बेसिक थिंग इज दिस कि जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए और आपके बाल बहुत ड्राई ना हो, मतलब जो स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई ना हो और आपके स्कैल्प क्लीन हो जाए, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है या आप उनके कंसर्न में हैं तो आप उनसे सजेशन ले सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि मेरे आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो मिनी पाउच लेके, पाउचेस आते हैं आराम से आप उनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपना जो भी शैम्पू का रूटीन है, लाइक आप दो दिन में क्लीन करते हो या आप 4 दिन में क्लीन करते हो, उसको रेगुलर बनाए रखना है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर निकलें तो आपका हेड कवर हो, लाइक अभी तो कोरोना चल रहा है तो वो भी जरूरी है, एंड विंटर्स में तो अक्सर हम लोग कैप या फिर स्कार्फ डाले रहते हैं इन इंडिया। एंड अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो भी अपने स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए इसे कवर करके आप रख सकते हो, बिकॉज जब ऑयली स्कैल्प होती है तो वो डर्ट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से बाल जल्दी गंदे होते हैं, लेकिन नीचे के बाल जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आप एक्चुअली क्या करें। और हर लड़की को मेरा हमेशा से एक सजेशन है, वही सजेशन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी स्किन का टाइप, आपके स्कैल्प का टाइप, आपके बालों का टाइप कुछ भी हो, आपको रेगुलर 1 ग्लास दूध पीना चाहिए, एंड प्लस अपने साथ साथ अपनी वर्कआउट को भी बनाए रखिए। इसके अलावा बेसिक सी बात ये है कि हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें कि आलमंड्स हों, वॉलनट्स हों, और अभी पपीता चल रहा है, पालक इस समय मार्केट में है, आप उसे खाइए। जो भी इस समय की विंटर्स की बेसिकली जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर गाजर है, आंवला है, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए सो दैट योर आपके बाल जो है वो अच्छे तरीके से हेल्दी रहे और जो बाल झड़ने की टेंशन है ये आपके दिमाग से दूर हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मैसेज करते हैं और मुझे बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, मैसेज जरूर पढ़ती हूँ हाँ, लेकिन ये हो जाता है कि कभी कभी जो है रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो
और यहाँ पे मेरे फोन की जो बैटरी है वो मुझे जवाब देने वाली है, जल्दी से मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। तो आप लोगों को बस इतना सा कहना था, अगर आपके कॉम्बिनेशन हेयर है तो आप इस तरीके से अपने बालों की देखभाल कीजिए, एंड हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। ये था मेरा आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय।